सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख, महाराष्ट्र जिला जलगांव से, देखते रहिए आज की बड़ी खबर। झोपड़पट्टी के गरीब लोग जो रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से बेहाल परेशान है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ रहा है। लॉकडाउन लगाने से पहले जनता को तमाम जरूरतों का इंतजाम करना था, जब ही लॉकडाउन लगाना था। ऐसे में तालुका सोगा कालेनगर झोपड़पट्टी में हमारे रिपोर्टर ने गरीब लोगों से बात की। सोगा से हमारे रिपोर्टर शेख नईम, देखते रहे इन्वेस्टिगेशन 24। खाने को नहीं, पीने को नहीं, क्या करना हमने? घर में चावल नहीं, बोलना चावल नहीं, गेहूं नहीं, कुछ नहीं, घर में धान्य नहीं है। तेल का भाव बढ़ गया, तेल का भाव, तेल भी नहीं ना, कुछ नहीं ना, तो कहाँ से तेल का भाव बढ़ा? तेल का भाव भी बढ़ा तक होने को ना, हमें तो घर कुछ है ना 10 महीने से। आपका नाम क्या है? तो ये जो अभी तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो संकट आया हुआ है ना अपने देश पे आया हुआ, पूरे पूरे जहाँ पे आया हुआ है ये संकट है, ये जो कोरोना वायरस के नाम से जो चल रहा है उसने बहुत दहशत कर रही है। बरोबर, पर जो कर रहे मोदी जी, जो लॉकडाउन बढ़ा रहे, अभी तीसरा लॉकडाउन अभी महीने तक लॉकडाउन, पर जो गरीब है वो लोगों के हाल हो रहे हैं, क्योंकि जो बेचारे क्या है, जो हाथ पे कमाई है, जो रोज जाते सवेरे जाते फिर शाम को वही पैसे से कुछ खरीदते थे, ऐसे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि लॉकडाउन आप बढ़ा रहे, देश के लिए बढ़ा रहे, बढ़ाओ, पर जो गरीब है उनकी कुछ मदद करो, या उनको आटा रोटी जो उनकी लगने वाली चीज है उनके उनके तक पहुँचना चाहिए। आज भारत देश इतने संकट में, संख्या कम नहीं हो रही इसलिए लॉकडाउन बढ़ रहे, पन संख्या बढ़नी नहीं चाहिए इसके लिए जो लॉकडाउन बढ़ा रहे, पन जो गरीब है उनको बचाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मेरी इतनी अपील है मोदी जी से या सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, कि गरीबों की मदद करो और लॉकडाउन बढ़ाए भी तो चलता है, पर गरीबों तक खाना पहुंचाओ। तो ये थे हमारे कालेनगर के धम्मदीप साध्वी। तो आप जानते हैं क्या, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो गई है, जानते हैं अभी और आगे देखेंगे कि क्या होगा।